नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 16 वन के मार्ग में कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन के मार्ग में जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस कविता में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम बृज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ वन के मार्ग में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में रहना पड़ा। कवि कहते हैं कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत ही धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 ही कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मधुर होंठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा, अभी कितनी दूर और चलना है? आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जब श्री राम और सीता जी को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब सीता जी जब अपने महल से बाहर निकली तो अति कोमल थी, और जो ही वह केवल 2 ही कदम वन के मार्ग में चलने लगी तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होंठ भी सूख गए। वो बहुत ही थकावट भरी दिखाई देने लगी और व्याकुल भी दिखने लगी और बार बार श्री राम से पूछने लगी कि अभी हमें और कितना दूर चलना है? हम पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? इत्यादि प्रश्न वे बार बार प्रभु श्री राम से पूछने लगी। और जब श्री राम ने उनकी व्याकुलता देखी तो उनकी सुंदर आंखों से आंसू दिखाई देने लगे। आगे बढ़ते हैं। सीता जी श्री राम से कहती है कि जल लाने के लिए गए लक्ष्मण तो
अभी बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। यहाँ पर सीता जी श्री राम से कहती हैं कि भैया लक्ष्मण अभी जल लेने के लिए गए हुए हैं और उनको आने में समय लगेगा, तब तक आप छाया में खड़े होकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ और आपके जो गरम रेत से तपे हुए चरण हैं इनको भी पानी से धो दे देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट और व्याकुलता को देखकर राम अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय बड़ी देर तक करते रहे। जब सीता जी ने राम का यह प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर गए। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि इस कविता में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की थकावट और उनकी व्याकुलता को देखकर राम अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय काफ़ी देर तक करते रहे, परंतु सीता जी उनके इस अभिनय को अच्छे से समझ लिया और उनका यह प्रेम देखकर सीता जी की आंखें भर गई और उनका शरीर प्रेम से रोमांचित हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाठ का सार पढ़ा। अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द है वन, अर्थ होगा जंगल। अगला शब्द मार्ग, अर्थ होगा रास्ता। अगला शब्द है झलकना, अर्थ होगा दिखाई देना। अगला शब्द है पर्णकुटी, अर्थ होगा पत्तों की बनी कुटिया। अगला शब्द है व्याकुलता, अर्थ होगा आतुरता अधीरता। अगला शब्द है प्रतीक्षा, अर्थ होगा इंतजार। अगला शब्द अभिनय, अर्थ होगा नाटक। अगला शब्द है रोमांचित, इसका अर्थ होगा पुलकित प्रसन्न। अब हम प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या एक, प्रस्तुत पाठ वन के मार्ग में के रचयिता हैं। प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प तुलसीदास, तीसरा विकल्प रहीमदास और चौथा विकल्प है मीराबाई। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या दो, तुलसीदास। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दो, भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास मिला था। पहला विकल्प
तेरह, दूसरा विकल्प बारह, तीसरा विकल्प चौदह या चौथा विकल्प ग्यारह। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या तीन, चौदह। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीन, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, राम और सीता के साथ वन में रिक्त स्थान गए। पहला विकल्प लक्ष्मण या दूसरा विकल्प भरत। तो राम और सीता के साथ वन में कौन गए थे? लक्ष्मण। तो हमारा उत्तर होगा लक्ष्मण। दूसरा प्रश्न, सीता जी श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण रिक्त स्थान लेने गए हैं। पहला विकल्प दूध या दूसरा विकल्प जल। तो लक्ष्मण जी क्या लेने गए थे बच्चों? जल लेने के लिए। तो हमारा सही उत्तर होगा जल। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीन, सीता जी की रिक्त स्थान देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। पहला विकल्प व्याकुलता या दूसरा विकल्प प्रसन्नता। तो हमारा सही उत्तर होगा व्याकुलता। सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या चार, वन के मार्ग में दो कदम चलने के बाद ही सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर होगा, वन के मार्ग में दो कदम चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके मधुर होठ भी सूख गए तथा उन्हें अत्यधिक थकान हो गई। तो आया बच्चों समझ में? आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पांच, श्री राम ने थकी हुई सीता जी की सहायता कैसे की? उत्तर होगा, सीता जी की थकावट और व्याकुलता देखकर श्री राम देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता जी को आराम करने का समय मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 16 वन के मार्ग में कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आप लोगों को यह सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आएं। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और अच्छे से सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।